अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद फैमिली में आपको वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार खट मीठा बना रहे हैं केरी का शरबत, और ये दिल को तकवियत देता है, मैदे को ठंडक पहुंचाता है। ये बिल्कुल मैदे में उतरते के साथ ही आपको ऐसी ठंडक महसूस होगी कि बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने दो केरियाँ ले ली थी, दो केरियाँ थी, इनको काट लिया। देखें लाल होने पर आ रही है ज़रा, तो ये मैंने दो केरियाँ ले ली। अब इसके अंदर आधा कप, ये कौन सा कप लेंगे आप, ये क्या कहते हैं कप होता है ना चाय का, रेगुलर चाय जो होती है, इसका मीडियम साइज़ का जो कप होता है, इसको आधा कप पानी डाल के इसको बिल्कुल उबाल लेंगे। ऐसा उबालेंगे कि बिल्कुल ये बिल्कुल वो हो जाए नरम। तो इसको उबालते हैं, उबालने के बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जब तक हम इसको उबाल रहे हैं, आप जाइए और प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद नहीं आती, कमेंट में लाजमी बताइएगा, और पसंद आए तब भी बताइएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये केरी, और ये देखें बिल्कुल एकदम छुरी से यूँ कर रही हूँ ना, बिल्कुल यूँ कट रही है। देखें ये हो रही है, इसमें ज़रा पानी भी है, तो हम इसको ज़रा सा ठंडा करके, अभी बहुत गर्म हो रही है, चूल्हा बंद करा है मैंने, और इसी के पानी में इसको हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो इसको पानी खुशक करना था, मेरे ना ये जो है ना क्या कहते हैं खुशक हुआ नहीं, गैस हमारा बिल्कुल जा चुका है, बहुत हल्का हो गया, तो ये खुशक नहीं हो पा रहा। तो मैं इसी में ग्राइंड करके इसको चाशनी में ही पका लूँगी। आप जो है ना बिल्कुल खुशक करिएगा, तो ये ठंडा हो जाए, अभी गर्म इसको वो नहीं करेंगे ग्राइंड। ये मैंने 2.5 कप चीनी लिए, मेजरिंग कप से नाप के, रेगुलर जो कप होता है वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास मेजरिंग कप है, ये बड़ा वाला सबसे जो बड़ा साइज़ होता है, ये 2.5 कप ले लीजिएगा। 2 कप लेके फिर आधा कप ले लिया। और अब इसके अंदर पानी क्या लेंगे, पानी हम इसके अंदर ये मेजरिंग कप से इसी से 1.5 कप यानी 1.25 पानी लेंगे। ये देखें ले लिया मैंने पानी, अब ये इसके अंदर डाल के, ये देखें डाल के, और हम इसको चाशनी पकाने रख देंगे चूल्हे के ऊपर। जब तक ये चाशनी बन रही है, तो जब तक हम उसको देखते हैं केरियों को, ये केरियों का क्या हाल चाल है, गली या नहीं गली। ये चाशनी बन गई, चाशनी क्या, बस हम इसको चीनी को मेल्ट करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर 2-3 जोश देंगे। तो ये देखें, और ये बस ये ऐसी ऐसे हो, इसको जब ये करें ना तो ऐसी चिपचिपाहट होगी। ये देखें ये दिख रहा है, ज़्यादा बन रही है, बस ऐसी चिपचिपाहट होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। और मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया, अभी मैंने ये ठंडी हो गई थी केरियाँ, अब इसको हम मिक्सर में डाल के इसको हम बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल पीस लेंगे, ठीक है। ये देखें कैसा अच्छा बिल्कुल बारीक एकदम पिस गया ये। अब इसके अंदर ये हम पुदीना लेंगे, ये देखें एक बंच के करीब, सिर्फ एक मुट्ठी पुदीना ले लेंगे, बिल्कुल देखें कैसा फ्रेश है। तो ये हम इसको डाल के ये भी इसमें पीसेंगे, बिल्कुल एकदम बारीक पीस लिया, पुदीना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, देखें कितना ज़बरदस्त पीसा है, सही है, बिल्कुल एकदम बारीक सा पीसा है मैंने। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ये चाशनी जो पकाई है हमने इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। देखें चाशनी में डालते इसको, ये देखें चाशनी डाल के, और इसको ये देखें सब डाल देंगे इसको साफ सुथरा करके। हमने इसको डाल दिया, और ये देखें ये पक रहा है। अब इसके अंदर जो सामान वो डालेगा, अब आप वो देखिएगा, ये देखें पकना शुरू हो गया, ये पक रहा है आराम से, सही है।
अब ये बिल्कुल हम इसको चलाते रहेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, ये ठंडा होता है, ये जो है ना इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये डालेंगे हम काली मिर्चें 1 टीस्पून बिल्कुल पीस के, इसमें बहुत अच्छा जायका आता है, ठीक है। और ये हम डालेंगे रेगुलर नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो, तो ये जो क्या कहते हैं ये हमने डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून काला नमक डलेगा, ये 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे। ये देखिए काला नमक डाल दिया, यकीन माने इतने मज़ेदार बनता है ये शरबत। अच्छा या चाहे तो आप इसको जो है ना, इसको चाहे तो आप इसको जो है ना छान सकते हैं, मगर मैं छानूंगी नहीं क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीक ग्रेट वो करा है, जूसर में बहुत बारीक वो कर लिया, तो मैं इसको छानूंगी नहीं। अब इसके अंदर आप ऑप्शन है, अगर चाहे तो इसमें हल्का सा कलर डालें, नहीं चाहे तो ऐसे ही अच्छा लगेगा बना, मगर ये अगर कलर डालेंगी तो ज़रा बहुत प्यारा सा और कलर आएगा, तो एक चुटकी में कलर की डालती हूँ ग्रीन। ये मैंने बिल्कुल हल्का सा मामूली सा ये इसके अंदर ग्रीन कलर डाला, थोड़ा सा उड़ा देगा, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा सा बस। और ये पकना शुरू हो गया और हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए बस ये पकना शुरू हो गया ना चाशनी, और इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे, ये चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद हम इसके अंदर एक चीज़ और रहती है वो डालेंगे, वो क्या है, वो ये है लेमन, ये है लेमन, ये क्या कहते हैं 2 टेबलस्पून भर के ये डालेंगे तो खटमीठा जायका देगा। ये देखें ये हमने डाल दिया इसका लेमन जूस, बहुत मज़ेदार जायका देगा ये। और ये चीनी जो होती है ना बाजार में, चीनी जो होती है वो जम जाती है, तो ये जमेगा नहीं और ना ये ख़राब होगा, इसमें लेमन डाला है बस, इसको मिला देंगे और इसको हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो ये अभी ठंडा हो जाए ज़रा सा, तो हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे, तो ये ठंडा हो गया, अब हम इसके अंदर डालते हैं क्या बोलते हैं बर्फ। बिल्कुल चील ठंडा एकदम मज़े का, तो जाते ही मैदे में ये बर्फ डाल दी हमने, और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये देखें मॉइस्चर, चार टेबल स्पून सही है, और 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे, 1, 2, 3 और 4 सही है। अब ये डाल के ठंडा ठंडा इतने मज़ेदार बनाइए, आप बनाइएगा ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि केरी का शरबत आपका कैसा बना, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह आप बनाइएगा। तो इसको आप होटल में फ्रिज में करके होटल में रखिए 1-2 महीने आराम से चलेगा, ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें नींबू भी डला हुआ है और ये पका हुआ है खूब अच्छी तरह से। तो चलें फिर बाद में नेक्स्ट टाइम दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, वो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।